दोस्तों नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो बहुत समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाई मायके जाकर आने के बाद से, और आपसे जैसे कि मैंने कहा था कि मायके ब्लॉग भी शेयर करूँगी, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, आई डोंट नो कहाँ पे क्लिप्स सारे मिले, डिलीट हो गए थे। और मायके से आने के बाद थोड़े से हेल्थ इशू थे, उसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं रह पाई चैनल पर, लेकिन अभी से मैं वीडियो वापस डालना शुरू किया है मैंने। तो ये मोगरे का प्लांट लेकर आई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा कलियाँ खिली हुई थी और अच्छा लग रहा था, तो इसको नए वाले गमले में मैं शिफ्ट कर दूँगी। और सुबह का समय जो होता है वो पौधों के साथ स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो ऐसे कुछ काम होते हैं तो वो सुबह ही कंप्लीट कर लेती हूँ। और मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं सारा ही काम सुबह निपटा देती थी, तो मेरी बेटी भी यहाँ पर स्कूल चली गई है और किचन वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। तो साथ में मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, तो उसकी भी स्कूल शुरू हो गई है, वो भी स्कूल जाना शुरू कर दिया है उसने भी, तो उसे भी स्कूल भेजना है, लेकिन उसका टाइमिंग चेंज है तो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, सुबह आराम से भेज सकते हैं। बेटी के टिफ़िन में मैंने पराठे ही डाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट आती है, और हस्बैंड के लिए बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेड सूजी का सैंडविच। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए मैं यहाँ पे लूँगी ऑनियन, टमाटर और एक मिर्ची। आप चाहो तो और सारे वेजिटेबल्स ले सकते हो आपकी चॉइस के हिसाब से, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट के लिए सिंपल ही रखा क्योंकि मुझे मेरे बेटे को भी स्कूल छोड़ने जाना था, तो मैंने फटाफट से दो ऑनियन और एक टमाटो को चॉप कर लिया था। सैंडविच बनाना बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या करना है, दो कप सूजी लेना है, जैसे कि मैंने दो छोटी कटोरी सूजी ली है, उसमें कर्ड ऐड करूँगी, नमक ऐड करूँगी और जो भी हमने ये वेजिटेबल्स कट किए हैं जैसे कि ऑनियन, टमाटर वगैरह, वो ऐड कर देंगे। आप चाहो तो और वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, और धनिया पत्ती डालकर इसको अच्छे से मीडियम कंसिस्टेंसी में इसको बनाना है, और पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें, अगर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा तो सैंडविच अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि हमें इसे ब्रेड पर लगाना है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दूंगी, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, कलर से थोड़ा सा अच्छा लगेगा करके मैंने इसमें डाला है, तो इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमारा ये जो पेस्ट है सैंडविच बनाने का, ये बिल्कुल रेडी है। तो इस पेस्ट को मैं ब्रेड की एक तरफ ही लगाकर इसे अच्छे से सेक लूँगी ऑयल लगाकर तवे पर। जल्दी वाला ब्रेकफास्ट, तो इसको मैं सॉस के साथ सर्व कर दूंगी, और अभी मैं तैयार कर रही हूँ अपने बेटे को। चॉकलेट मम्मी खाएगी। अच्छा, वो खाएगा बिल्कुल। टीचर कैसे बोलते हैं, राजेश बताएगी।
तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। बहुत मुश्किल से जाता है लेकिन धीरे धीरे आदत बन रही है। और स्कूल छोड़कर आने के बाद मैं शुरू करती हूँ अपना लंच प्रिपेयर करना, क्योंकि 2-2.5 घंटे का स्कूल टाइमिंग होता है, उतनी देर में मेरा बेटा भी आ जाता है और लंच का टाइम भी हो जाता है, और हस्बैंड भी घर पर आकर ही लंच करते हैं, हम साथ में ही लंच करते हैं। तो ये जो बीच में टाइम मिलता है इसमें लंच प्रिपेयर करती हूँ या फिर कोई एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लंच में मैं सिंपल ही बनाने जा रही हूँ, ग्वारफली की सब्जी और रोटी। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ, जैसे कि मैंने तेल लिया है, जीरा डाला है और लहसुन ऐड किया है, और थोड़ा सा हींग ऐड कर दूंगी इसमें। थोड़ा सा पकने के बाद 1-2 मिनट के बाद मैं जो भी मैंने ग्वारफली काटी है वो सारी इसमें ऐड कर दूंगी। अब इस ग्वारफली में मसाले बहुत ही सिंपल है, धनिया पाउडर है, हल्दी है, मिर्ची है और नमक है, दैट्स इट। इसमें और कुछ भी ऐड नहीं किया है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी लगती है सब्जी। और इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर और ढक्कन देकर रख दूंगी अच्छे से पकने के लिए। और इस सिंपल सी सब्जी के साथ अगर आप कर्ड लेकर साथ में खाते हो तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। यहाँ पे रोटियाँ बनाने से पहले मैंने कुकुम्बर भी काट कर रख दिए थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ठंडे ठंडे कुकुम्बर के स्लाइस बहुत अच्छा लगता है जब लंच में हम खाते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं कुकुम्बर काट के भी रख देती हूँ, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो कुछ एक्स्ट्रा ही मैंने कट करके रखे हैं। तो यहाँ पे सब्जी बन रही है, जब तक मैं साथ ही साथ रोटियों को भी बना कर रख दूँगी तो मेरा ज़्यादातर काम फिनिश हो जाएगा और लंच का टाइम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्जी भी रेडी है और अभी ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो चुका है, तो अभी मैं टेबल तैयार कर रख दूंगी लंच के लिए, और अभी मेरे हस्बैंड भी आते होंगे मेरे बेटे को लेकर साथ में। सो गाइज, ये था मेरा सिंपल सा व्लॉग। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया हो, आपको अच्छा लगा हो। आगे से और भी अच्छे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।